ये है अपना ट्रेडिशनल ड्रेस, तो एकदम रेड एंड ब्लैक करके यहाँ पे देखिए, थोड़ा अच्छे से दिखाऊंगी जब दीदी आएगी। दीदी को देखिए दोस्तों, थोड़ा खा रही है। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए ब्लॉग पे। सुबह हम सभी लोग जल्दी उठ के ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी हम लोग का ब्रेकफास्ट यहाँ पे मंजिता ब्रेकफास्ट कर रही है। आज है बुद्धा जयंती, तो हम लोग ब्रेकफास्ट करके मंदिर पे जाएंगे। और मंजिता चावल के साथ ब्रेड खा रही है। यहाँ पे मैंने कल का जो चावल होता है इसमें तेल और नमक देके मैंने गरम किया है, बहुत ही टेस्टी होते हैं उसे बनाने में। और यहाँ दीदी ने मिक्स सब्जी पका दिया, ये खुशबूदार पत्ते, आलू, बीन्स, बैंगन सब कुछ मिक्स करके। और बाहर में दीदी करेले की सब्जी बना रही है। अभी यहाँ पे दीदी जो है मंदिर में लेके जाने के लिए सब्जी पैकिंग कर रही है, और यहाँ पे चावल को भी पैकिंग कर दिया, और यहाँ पे मैंने चुटकू वाला ये भगवान जी के लिए पैकिंग कर दिया है। दोस्तों मैंने तो ब्रेकफास्ट कर लिया, और यहाँ पे मामी और मम्मी और नानी कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। ये देखिए क्या क्या सब्जी, मिक्स सब्जी और ये करेले। यहाँ पे मेरी थाली आ चुकी है, यहाँ पे करेले की सब्जी, यहाँ पे मिक्स सब्जी, और ये खुशबूदार पत्ते मेजिंगा पत्ता। और यहाँ पे दीदी तो खाने में लग गई, मम्मी भी, और मंजिता ऑलरेडी खा लिया। फिर थोड़ा देर रेस्ट करो, उसके बाद ट्रेडिशनल ड्रेस लगा के मंदिर में जाएंगे ना। दोस्तों अभी मंदिर जाने के लिए मैं एकदम रेडी हो गई हूँ, तो अभी मैं मेन रास्ते पे जा रही हूँ, क्योंकि ये हम लोग का घर की रास्ता है, बहुत ही खराब है, बहुत ही कीचड़ कीचड़। और कल हम लोग गिर गए थे स्कूटी से, तो इसलिए डर लगती है। नहीं नहीं है ना, तो दीदी रेडी हो रही है, अभी मैं जाके मेन रास्ते पे दीदी का वेट करूंगी। और घर पे सिर्फ लेम्बू है, मम्मी और मंजिता पहले से पहुंच गए हैं, दीदी पहले उनको छोड़ के आ गए, फिर हम दोनों एक ही साथ में दीदी और मैं जाएंगे। और आज कैसे लग रही हो कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। ये है अपना ट्रेडिशनल ड्रेस, तो एकदम रेड एंड ब्लैक करके यहाँ पे देखिए, थोड़ा अच्छे से दिखाऊंगी जब दीदी आएगी तब। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि जेरी दीदी आप क्यों बिंदी नहीं लगाते हो, सिंदूर क्यों नहीं लगाते हो, ऐसा होता है कि ना हम लोग का नियम में उतना नहीं है, तो जिसका भी दिल करे लगा सकता है, सिंदूर तो लगा नहीं सकता, बिंदी जो है लगा सकता है। यह हम लोग का नियम पे सिंदूर नहीं लगाते, बस हम लोग ये सिंपल तरीके से रहते हैं, और ज़्यादातर मैं सिंपल से रहती हूँ, मुझे उतना स्टाइल वगैरह भी मारना नहीं आती। और मुँह पे भी मैं क्रीम श्रीम ये लगा लेती हूँ, पर वो ज़्यादा मेकअप नहीं करती, बस मुझे लिपस्टिक और काजल बहुत ही पसंद है। बाप रे थक गई हूँ, ये देखो ना रास्ता कैसा है। यहाँ पे मामी लोग का घर, पता नहीं वो लोग भी गए होंगे शायद, आज इतना बड़ा फंक्शन है, वहाँ जाके सब दिखाऊंगी आप लोगों को। मेरे पीछे पीछे दीदी भी अपना ट्रेडिशनल ड्रेस लगा के आ रही है। आज दीदी और मैं एकदम सेम टू सेम, हम जैसे भी ड्रेस लगाते हैं सेम टू सेम है, पर ये हम लोग का मेन ट्रेडिशनल ड्रेस है, रेड ब्लैक ये ब्लू करके। तो ये ब्लाउज जो है मेरा बहुत पुराना ब्लाउज है, मैंने पहले मैं बहुत ही मोटी थी, फिर मैंने इसका साइज़ जो है छोटा कर लिया, अभी मेरा साइज़ जो है 29 साइज हो गया, पहले मैं 35 थी, देख सोच लो दोस्तों अब क्या से क्या हो गई हूँ, पतली हो गई हूँ। आज दीदी को बहुत ही सुंदर लग रही है। ये देखो एकदम सेम टू सेम, अभी मैं आराम से बैठ लूँगी, रास्ता बहुत ही ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा खिचड़ की तरह। यहाँ पे पहले एक गाड़ी आ चुकी है, ये है अलग ही मंदिर का, यहाँ पे देखिए। हम लोग मंदिर पे पहुँच गए हैं दोस्तों, पर स्टार्ट हुआ है पूजा वगैरह जो है, अभी हाँ, जस्ट अभी हुआ है स्टार्ट। और यहाँ पे देखिए बहुत सारे आदमी लोग, मेहमान लोग आए हैं ना, कहाँ से जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैं पैसा दे दूँगी, लेफ्ट हैंड से देना पड़ रही है। देखो तो अभी जो है मंदिर में पूजा पाठ वगैरह जो खत्म हो गई है, तो 1 बजे या शायद इस टाइम पे वो गाड़ी को घुमाएगा, पता नहीं मुझे उतना आइडिया नहीं है, मैं पहली बार घुमाऊंगी। चलो भी आइडिया नहीं है, इस बार का थोड़ा अलग से क्या है, अलग से क्या है। और अभी थोड़ा हम लोग यहाँ पे इंतजार करेंगे। मम्मी और मंजिता कहाँ गए, अंदर में। अभी यहाँ लड़का लोग का टीम आ चुका है, ये लोग ढोल ढोल बजाएंगे, ढोल, वाह ढोल, इतना बड़ा बड़ा ढोल, ये देखो पूरा अपने ट्रेडिशनल ड्रेस के साथ, ये देखो। और ये जो गाड़ी है, आज राउंड करके ये गाड़ी को घुमाना है, हम लोग तो पैदल पैदल ऐसे
क्या जो जय करके ऐसे बोलना पड़ेगा शान। मन बीबी आज ट्रेडिशनल ड्रेस लगा के आई है और यहाँ पे मम्मी और मंजिता, आज मंजिता अलग ही फैशन से आई है। ये देखो ट्रेडिशनल ड्रेस लगाने से ठीक था, बारिश के वजह से पूरा ये सिंपल तरीके से आ पाई बेचारी। मानवी को बहुत ही प्यारी लग रही है मानवी। हेलो बोल दो मानवी। फिनोन। हाँ फिनोन फिनोन। अभी मंदिर पे आदमी लोग तो है पर हम दीदी और मैं मंजिता जा रहे हैं वो दीदी लोग का घर पे। तो दीदी ने इनवाइट किया है कि ये भी बीजू की तरह होती है, ये बुद्धा जयंती पे वो बिस्किट वगैरह बनाते हैं और सब्जी वगैरह भी पकाते हैं, तो जिसका भी दिल करे खा सकता है। तो हम लोगों को बुलाया है दीदी ने, वहीं पे हम लोग जा रहे हैं। अभी दीदी के घर पे पहुंच गए हैं और यहाँ पे देखिए इतने सुंदर सुंदर फूल और ये एलोवेरा बाव बहुत ही सुंदर है। और मंजिता जैसे तैसे मानवी को छोड़ के आए हैं, नहीं तो दोनों बहनें एक साथ में रहने से बहुत ही लड़ाई कर देते हैं ये दोनों बहन। हम लोग किचन साइड पे आए हैं, यहाँ देखिए दोस्तों दीदी ने निकाल भी दिया है फाजुनतोन और ये खीर, मीठा मीठा खीर। और यहाँ पे देखो बहुत सारे लड़कियाँ आए हैं, एक एक बहुत ही सुंदर लग रहा है ट्रेडिशनल ड्रेस में। पहले खीर दोस्तों, ये देखो खीर खा रही हूँ मैं। कैसा है? ठीक है, थोड़ा और मीठा होने से ठीक था। इतना मीठा खाना अच्छा नहीं है सेहत के लिए, अरे डायबिटिक्स हो जाएगा। जलेबी भाई हूँ। जब ज्यादा ओल्ड एज होगा ना तब पता चलेगा। नहीं कुछ नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग हूँ। और मंजिता हजनतुन खा रही। दोस्तों हम लोग घर पहुंच गए हैं और मेरा पतिदेव जो है कहाँ जा रहा है, तेजू पौं, 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 और वहाँ पे मनोज दोस्त आया है उनका गाड़ी लेकर। अभी देखो हीरो बंदा, ये पेन जो है इसके लिए मैंने खरीदा था बाजार में। हाँ गिफ्ट दिया मुझे पेन और शर्ट जो है मनोज ने गिफ्ट। लम्बो भी तेजू चला गया है तो अभी घर पे सिर्फ मैं दीदी मंजिता है, घर में क्या ही करेंगे, इसलिए हम लोग जा रहे हैं बेम्बू सूट ढूंढने के लिए जंगल में। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा चाकू भी ले लिया। दीदी और मंजिता रास्ते पे इंतजार कर रहे हैं। तो अभी पहुंच गए हैं यहाँ पे, ये देखो बेम्बू सूट का पेड़ और वहाँ पे भी है। और मंजिता पूरा रेडी होके आई है, वाओ बैग में लेके जाएंगे। यहाँ पे देखो उस साइड में इतना बड़ा करके दिखाई दे रहा है ना, अभी मैं ये दाव से काट। अभी बेम्बू सूट तोड़ के लाया, देखा तो कितना बड़ा बड़ा मुझे भी मिला है। ये बहुत ही टेस्टी होती है। और दीदी इतना बड़ा बड़ा कहाँ से मिला? अच्छा अभी यहाँ पे इतने मिले हैं, फिर से ढूंढेंगे ना। देखो इतना सारा मिला है, ये देखो बड़ा बड़ा है ना, इतना लंबा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये ज्यादा मोटा है। हाँ जो लंबे लंबे है उसे काट काट के लेके जा रही हूँ, यहाँ पे इसे काट काट के लेके जाऊंगी। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पे एक आंटी का घर पे, तो यहाँ से हम लोग ये लौकी और लौकी के साग लेके जाएंगे। यहाँ पे देखिए पूरा जो छत पे है पूरा लौकी के साग है, और यहाँ पे देखो लौकी ही लौकी, यहाँ ऊपर ऊपर में भी है लौकी, ये देखो पूरा ग्रीन ग्रीन ग्रीन। अच्छा अभी यहाँ इसको तोड़ना है। बढ़िया है, बढ़िया है ना मंजिता। पूरा नीचे आ रहा है, दरवाजे पे आ रहा है ना। देखो दीदी हाँ। पूरा तोड़ने में लग गई है, थोड़ा मोटा मोटा वाला तोड़ लो। अभी यहाँ पे दीदी ने साग भी तोड़ दिया है और यहाँ पे भी तोड़ दिया। अभी यहाँ पे तीन लौकी और मंजिता ने एक नींबू तोड़ लिया है बिना मांग के। देखो ये तो चोरी होगा। पैसा भी दे दिया। मंजिता यहाँ से एक तोर ले लो, थोड़ा हेल्प कर दो। हाँ रास्ते में हाँ सकेगी। ये एक नंबर बस्ती का, ठीक हाँ ठीक है, जाएंगे अभी। आज हाँ आज तो देखिए दोस्तों दो दो सब्जी बहुत ही टेस्टी होती है। थैंक यू दीदी। अभी यहाँ आधे रास्ते पे पहुँच गए हैं दोस्तों, और हम लोग उस दिन लेके गए थे वो फिग फ्रूट, तो वहाँ पे है फिग फ्रूट का पेड़, तो हम लोग लेके आएंगे। कहाँ से जाएंगे? उस साइड से, ज़्यादा पीछे पीछे हो गया, आगे आ गया था ज़्यादा। यहाँ पे देखो ओ दीदी इसका पत्ते भी खा सकेगा ना, ओ छोटा वाला। अच्छा सारा। बहुत सारा है ना यहाँ पे, ये छोटा वाला लेके जाएंगे ना, उधर ऊपर में छोटा वाला। ये दीदी बेम्बू के साथ तोड़ रही है, छोटा वाला लेके जाएंगे। अभी दीदी को देखिए दोस्तों पूरा खा रही है,
इसी हाँ बहुत ही टेस्टी होगा। अरे खाने वाने रही है मुझे भी। देखो दीदी पूरा खाने में लग गई। पिंक है ना अंदर में, ये देखो छोटकू वाला, ये बड़े वाले हम लोग सब्जी बना के खाएंगे। यहाँ पे दीदी ने लोकल जुगाड़ कर दिया है, अब इसे में जो डंडे है इसे पकड़ के लेके जाऊंगी चलो। और छोटे वाले हम लोग चटनी बना के खाएंगे, आज नहीं कल खाएंगे। आज तो ज्यादा ही सब्जी हो गया ना दीदी। ये देखिए दोस्तों लौकी के साग और ये पत्ते, और यहाँ पे लौकी तीनतू है। हम लोग खाएंगे ये बड़े वाले, मनवीर लोग को भी देंगे और बाजी घर के इसे खाएंगे। और यहाँ पे फिग फ्रूट छोटे वाले जो है चटनी बना के खाएंगे, और बड़े वाले सब्जी बना के। और ये बेम्बू सूट जो है अभी मुझे छीलना पड़ेगा मानवी लोगों के लिए। यहाँ पे लेके जा रही है लौकी और लौकी के साग, और ये फटाका पता नहीं ये भैया ने लेके जाने के लिए बोला है। यहाँ पे देखिए दोस्तों मैंने जो है बेम्बू सूट को छील दिया है, और यहाँ पे ये छिलके इतने सारे छिलके अभी मैं दूर जाके फेंकूंगी। और भैया ने कॉल किया है कि मंदिर में 5:30 बजे को प्रोग्राम है, तो हम लोग जल्दी से जल्दी डिनर बनाएंगे, उसके बाद हम लोग नहा धो के एकदम फ्रेश होके जाएंगे मंदिर पे। यहाँ पे दीदी जो है लौकी के साग को छील रही है, आज मिक्स करके बनाएंगे। दोस्तों अभी मैं फिर से मंदिर पे पहुंच गई हूँ, और जो ये ब्लॉग होगा तो आज ही के आज अपलोड होगा, तो उस कारण मैं ये मंदिर पे जो भी पूजा पाठ वगैरह होगा वो दिखा नहीं पाऊंगी, नहीं तो बहुत ही लेट हो जाएगी। अभी लगभग 6 क्रॉस हो गया, टाइम बहुत पार हो रहा है, तो जल्दी से जल्दी इसको एडिट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद में ये ब्लॉग जो है पब्लिश कर दूंगी। तो मिलते हैं दोस्तों एक और नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, आज के लिए बस इतना ही।